ओम नमो आदेश गुरु जी को सभी दर्शकों को जय महाकाली जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ की वीडियो में आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन करकर आप किस प्रकार से मातृशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो मित्र शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 29 सितंबर 2019 को रविवार के दिन विधि विधान से कल स्थापना के साथ ही नवरात्रि का शुभ पर्व आरंभ हो जाएगा। नवरात्रि यानी हर्षोल्लास और उमंग की रात्रि। ये 9 दिन शास्त्रों के अनुसार दैविक शक्तियां मनुष्य लोक में भ्रमण करने के लिए आती हैं। इन दिनों में साधक व सामान्य वर्ग अपने अपने तरीके से भरपूर प्रयास करते हैं भगवती आदि शक्ति के नवरूपों को प्रसन्न करने का। मित्रों शास्त्र कहते हैं कि मात्र श्लोक मंत्र उपासना हवन और वर से ही देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए भाव भक्ति समर्पण और विश्वास होना जरूरी है। शास्त्रों में भगवती को प्रसन्न करने का एक सरल विधान इन 9 दिनों में बताया गया है, वह है कन्या पूजन। छोटी नन्ही कन्याओं का पूजन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इन भोली भाली कन्या को मात्र समर्पण से ही प्रसन्न किया जा सकता है। इन्हें यदि आप प्यार से कुछ भी दे दें तो ये प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए कन्याओं को माता आदि शक्ति का रूप मानकर इन्हें पूजा जाता है। 9 दिनों में किस प्रकार से कन्या को प्रसन्न कर मातृ शक्तियों का आशीर्वाद लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल वाले आइकॉन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी आपको मिले और आप उसे देखकर लाभ भी उठा सके। मित्रों 9 दिनों तक इन्हीं 9 दिन तक इन नन्ही कन्याओं का पूजन करके उनको सुंदर गिफ्ट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इनके माध्यम से आप इनको साधारण कन्या नहीं बल्कि नव दुर्गा का रूप समझकर पूजा करकर इनको प्रसन्न करकर उन आदि शक्ति भगवती दुर्गा और नव दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि 9 दिनों तक कन्याओं को एक एक विशेष प्रकार का गिफ्ट देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना शुभ रहता है। अगर आप 9 दिनों तक कन्या पूजन नहीं कर सकते तो आप अंतिम 2 दिन का लाभ उठाकर कन्या पूजन कर वर्ष भर लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हो। साथ ही मातृ के शक्तियों के आशीर्वाद से आपके कारोबार में अथाह बरकत रहेगी और आपके घर में चौमुखी सुख समृद्धि प्राप्त हो। आइए जानते हैं 9 दिन कैसे कन्या पूजन करना है आपको। कन्या जब आपके घर में प्रवेश करे तो उनके पैरों में कुमकुम लगाकर उन्हें घर में लाएं। उन पर फूलों की वर्षा करें भगवती का स्वरूप समझकर। उनके दोनों हाथों में 2 तरह की दक्षिणा दें। एक दक्षिणा कन्या अपने साथ लेकर जाएगी, दूसरी दक्षिणा वो होगी जो वो आपको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करे। समस्त पूजन के बाद जब कन्या वापस जाने लगे
तो वो दूसरी दक्षिणा जो आपने 1 रुपया कन्या के दूसरे हाथ में दिया था, वो आशीर्वाद के रूप में कन्या से वापस ले लें। ये सिक्का आप अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से वर्ष भर आप पर लक्ष्मी की और भगवती दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। प्रथम दिन इन्हें फूल भेंट करना शुभ रहता है, साथ में कोई श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही दे। अगर आप माँ सरस्वती को पसंद करना चाहते हैं, अगर आप आज शक्ति भगवती माँ सरस्वती को पसंद करना चाहते हैं, तो कन्या को सफेद फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है, तो इन कन्याओं को लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा और गेंदा तथा गुलाब, इन फूलों से आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन फल देकर कन्या का पूजन करें। ये फल सांसारिक कामनाओं के अनुरूप होते हैं, जैसे लाल फल व पीला फल, और वगैरह वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला तथा श्रीफल हो सकता है। याद रखें, ये फल खट्टे नहीं होने चाहिए। तीसरे दिन नवरात्रि के तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ से बनी हुई खीर, हलवा, पूरी, चने आप कन्या को खिलाएं, तो इससे देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। चौथे दिन कन्याओं को वस्त्र देने का विधान है, लेकिन यदि आप में समर्थन नहीं है वस्त्र दान करने का, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी समर्थन अनुसार कन्या को रुमाल या रंग बिरंगे रिबन देकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, कन्या पूजन का यही महत्व है कि कन्याएं भोली भाली होती हैं और ये एक मात्र छोटी सी टोपी से भी दिख जाती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। ये छल कपट से बहुत दूर होती हैं, इसीलिए इन्हें मातृ रूप मानकर, इसीलिए इन्हें मातृ शक्ति मानकर पूजा जाता है। पांचवें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अंततः कन्या को 5 प्रकार की श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इसमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स तथा सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश तथा पाउडर इत्यादि हो सकता है। छठे दिन मातृ शक्ति रूपी बच्चियों को खेल सामग्री देना विशेष महत्व रखता है। आजकल बाजार में अनेक प्रकार की खेल सामग्री की वैरायटी उपलब्ध है। इन्हें देखकर आप इन कन्याओं को प्रसन्न करकर इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। सातवां दिन माँ सरस्वती के आह्वान का होता है। इस दिन कन्या को शिक्षा संबंधी सामग्री देनी चाहिए। आजकल बाजार में स्टेशनरी के विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बॉक्स तथा कलर बॉक्स आदि देकर, ज्योमेट्री बॉक्स आदि देकर कन्याओं को प्रसन्न किया जा सकता है सरलता से, और इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आठवां दिन नवरात्रि में सबसे पवित्र दिन महागौरी का माना जाता है। इस दिन अगर कन्या को अपने हाथ से श्रृंगार किया जाए, तो देवी की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कन्या के पैर को दूध से पूजना चाहिए, पैरों पर अक्ष फूल कुमकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को भोजन कराना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट भी अवश्य देनी चाहिए। हर दिन कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दें। 9वें दिन खीर, दूध की बनी हुई मिठाई, पूड़ियां, चने आदि खिलाने चाहिए, और उनके पांव धोकर उनके पांव पर कुमकुम तथा हाथों पर मेहंदी लगाकर देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन करना चाहिए और समर्पण भाव से उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। अगर अपने घर पर यदि आप हवन का आयोजन कर रहे हैं, तो इन नन्ही देवियों के हाथों से उसमें आहुति अवश्य ही डलवाएं। इसमें इलायची और पान का सेवन भी करवाएं।
इस परंपरा के पीछे मानता है कि देवी जब अपने लोक को वापस जाती है तो उसे घर में कन्या अर्थात अपनी कन्या की तरह विदा किया जाता है। अगर समर्थ हो तो नौवें दिन कन्या को लाल चुनरी भेंट करें, उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी पुस्तकें भेंट करें तथा अपने समर्थ अनुसार उनका पूजन करें। नवरात्रि में इस प्रकार रीति रिवाज से उनका पूजन साथ भेंट करने से देवी प्रसन्न होती है। वर्ष भर आपके लिए सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति और सौभाग्य के द्वार खोल देती है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो कि किस प्रकार से नवरात्रि में कन्या रूपी देवियों का पूजन कर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि आदि मन चाहे मनोकामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और मित्रों, आज के इस वीडियो में बताए गए दिव्य प्रयोगों को कर आप अवश्य ही लाभ उठाएं तथा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।